Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Holi is right around the corner. तो आज हम बात करेंगे प्री एंड पोस्ट होली स्किन केयर एंड हेयर केयर के बारे में. होली खेलना काफी लोगों को पसंद है. अगर होली खेलते हैं तो बहुत से जो कलर्स यूज होते हैं होली में उनमें बहुत सारे हार्श इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हार्श डाइज होते हैं जो आपके हेयर को, स्कैल्प को और स्किन को इरिटेट कर सकते हैं और डैमेज भी करते हैं. तो आज हम जानेंगे कि आप अपने स्किन को और हेयर को होली खेलने के पहले और होली खेलने के बाद कैसे बचाए रखेंगे. जब आप होली खेलते हो तो उसमें जो कलर्स रहते हैं वो आपके स्किन को बहुत इरिटेट करते हैं. तो इसलिए सबसे पहली चीज होती है कि आप स्किन में और होली के कलर के बीच में एक बफर पैदा करें. ये हम करेंगे ऑक्लूसिव क्रीम से. ऑक्लूसिव क्रीम बेसिकली मॉइस्चराइजर का एक टाइप होता है. तो मॉइस्चराइजर्स जो बहुत थिक होते हैं, थिक क्रीम्स आप इसे समझ सकते हैं. तो होली खेलने के पहले आप अपने ओवरऑल स्किन पे ऑक्लूसिव क्रीम लगा लें. क्रीम लगाने से जो कलर्स हैं वो आपकी स्किन में डायरेक्टली नहीं बैठते. बहुत से बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है तो एज इमीडिएटली जैसे आप ऑक्लूसिव क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो वो आपकी स्किन में इमीडिएटली अब्सॉर्ब हो जाता है. इसलिए फॉलो अप विथ अ थिक ऑयल अप्लाई कीजिए आप फेस पे, हेयर पे. ऑयल आप बेसिकली ओलिव ऑयल इज वेरी गुड क्योंकि ये थिक होता है और आपके ऑक्लूसिव क्रीम के ऊपर आप इसे लगा सकते हैं जिससे और एक अच्छा बफरिंग लेयर बन जाते हैं आपके कलर्स और स्किन के बीच में और आपकी स्किन भी प्रोटेक्टेड रहती है. इससे आपकी स्किन इरिटेट नहीं होती और जो होली के कलर्स में डाई होता है वो आपकी स्किन को डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं करता. ऑलिव ऑयल बेस्ट होता है, नहीं तो फिर आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं या फिर बेबी ऑयल ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल. इसके बाद जो आपकी हेयर लाइन है, ईयर्स हैं, वहां पे आप पेट्रोलियम जेलीज यूज करें. पेट्रोलियम जेली आप लगाइए जिससे कलर आपके स्ट्रैंड्स में या फिर जो कोने होते हैं ऐसे वहां पे कलर्स अंदर नहीं जाता. सो पेट्रोलियम जेली एक वाटरप्रूफिंग की तरह या काम करता है. अब बात करेंगे हेयर की. अब बालों के लिए सबसे पहले आप हेयर वॉश कीजिए द गुड शैम्पू. आप अच्छे से कंडीशनर लगाइए. कंडीशनर आप हेयर लाइन पे, स्कैल्प में भी लगाइए प्लस आप हेयर स्ट्रैंड्स पे लगाइए. कंडीशनर एक 10-15 मिनट्स रहने दीजिए एंड फिर आप इसको वॉश कर सकते हैं. वॉश करने के बाद में आप ऑयल अप्लाई कीजिए बालों में जो आपके हेयर स्ट्रैंड्स को और स्कैल्प को हार्मफुल डाई से प्रोटेक्ट करेगा. अब जब स्किन में आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट द सनस्क्रीन. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और बालों में जब आप ऑयल लगा लेंगे तो जिनके लंबे बाल हैं इट्स प्रेफर कि आप बन बना लें, हेयर बन. इससे एटलीस्ट बहुत से बाल आपके डैमेज नहीं होंगे. जो बाहरी बाल जो रहते हैं उससे आपके एटलीस्ट अंदर के बाल तो भी थोड़े प्रोटेक्टेड रहेंगे. बट मेक श्योर कि वो जो बन हो वो ज्यादा टाइट ना हो. होली खेलने के बाद नाउ विल मूव ऑन टू पोस्ट होली स्किन केयर एंड हेयर केयर. अब पोस्ट होली में दो काम होता है बेसिकली. एक तो कलर रिमूव करना और सेकेंड जो स्किन हमारी डैमेज हुई है बिकॉज ऑफ द डाइज उसको काम और स्मूथ सूथ करना. तो आप अच्छे से आप नहा लीजिए. प्रेफरेबली यूज बॉडी वॉशेस, ये अच्छे होते हैं. सोप्स बहुत हार्श होते हैं स्किन के लिए क्योंकि ऑलरेडी डाई से आपकी स्किन डैमेज हुई होगी. इसलिए सोप्स अवॉइड करके यू कैन गो फॉर बॉडी वॉशेस जो काफी अच्छे होते हैं. आप फिजिकल स्क्रब्स न यूज कीजिए. फिजिकल स्क्रब ऑलरेडी आपकी स्किन ड्राई हुई रहती है बिकॉज ऑफ द कलर्स. तो फिजिकल स्क्रब न यूज करते हुए पीलिंग जेलीज मिलते हैं
वो आप ड्राई स्किन पे रब कर सकते हैं, फिर वो इरेजर की तरह आपकी स्किन रिमूव होती है, जो काफ़ी अच्छी होती है कलर्स रिमूव करने में। और क्योंकि आपने पहले ही स्किन केयर फॉलो किया हुआ है तो फिर आपको ये रिमूव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और जब आप रिमूव कर लेते हैं, इसके बाद अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर, फॉलो इट्स विद अ गुड सनस्क्रीन। रही बात बालों की, अप्लाई सल्फेट वाले शैम्पूज जो आपके हेयर कलर रिमूव करने में बहुत अच्छे होते हैं, एटलीस्ट फॉर रिमूविंग दैट कलर सल्फेट शैम्पूज प्रेफरेबल हैं। इसके बाद में आप कंडीशनिंग मास्क लगाइए बालों में, लिव इट फॉर 10 to 15 minutes एंड फिर उसे आप वॉश ऑफ कर दीजिए। तो ये आपका हो गया प्री एंड पोस्ट होली स्किन केयर एंड हेयर केयर। हैप्पी होली।